ये ईशान के साथ गुड़ी क्यों लगाएगी? ये कौन सा हमेशा के लिए इस घर में रहने वाली है? गुड़ी पाड़वा के दिन हमारे घर की औरतें अपने अपने पति के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाती है। हमारे यहाँ इसे शुभ माना जाता है। सवि, अगर तुझे लगता है कि तुझे ईशान सर के लिए गिफ्ट खरीद लेना चाहिए तो खरीद लेना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। हाँ सही कह रहे हो, वैसे इतना क्यों ही सोच रही हूँ मैं। ईशान सर हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनके लिए गिफ्ट तो खरीद ही सकती हूँ। अब ये सोचती हूँ कि खरीदना क्या है। वैसे तो ईशान सर के लिए सिर्फ इसीलिए गिफ्ट खरीद रही है ना, क्योंकि ये इस घर की प्रथा है, रसम है। अच्छा तो मुझे एक बात बता, पिछली बार घर में हल्दी कुमकुम की रसम थी तो तूने तो वो रसम करने से मना कर दिया था, ये कह के कि वो रसम बहुत पवित्र है और तू ऐसे झूठे मोटे रिश्ते के लिए वो रसम नहीं करेगी। तो अब क्या हो गया सवि, अब ये रिश्ता झूठा नहीं रहा या ये रसम पवित्र नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ताई, ईशान सर ने आपके और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उस दिन हॉस्पिटल में भी आपको बचाने की जितनी कोशिश की है ना उन्होंने, ये बस एक थैंक यू गिफ्ट है। और ये इनके घर की परंपरा है, रसम है, तो मैं करूंगी तो ईशान सर को भी अच्छा लगेगा ना। मेरे ये सब करने के पीछे ईशान सर की खुशी के अलावा और कोई वजह नहीं। अच्छा तो मतलब ईशान सर ने मेरी इतनी मदद की इसलिए तू सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए ये सब कर रही है? गुड। लेकिन सभी मुझे एक बात बता, जब अक्का साहब ने तुझे ये रसम करने से रोका क्योंकि तू ये घर छोड़ के जाने वाली है, तो ये बात तेरे दिल में इतनी चुभी क्यों, जबकि अक्का साहब तो बिल्कुल सही कह रही थी? और ये बात खुद तू उन्हें पहले 10 बार बोल चुकी है, तो जब तेरी ही कही बात तुझे ही सुनाई गई तो तुझे इतना बुरा क्यों लगा सभी? जब तूने सुना कि शान सर और रीवा मैम पेरिस जा रहे, तुझे इतना बुरा क्यों लगा सवि? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिल में? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।